हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है मेनिंजेस। सो जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसमें दो स्ट्रक्चर्स आते हैं, एक है ब्रेन और एक है स्पाइनल कॉर्ड। सो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों ही एक बोन के अंदर प्रोटेक्टेड रहते हैं। सो ब्रेन जिस बोन के अंदर प्रोटेक्टेड है उसको बोलते हैं स्कल बोन, एंड स्पाइनल कॉर्ड जिस बोन के अंदर प्रोटेक्टेड है उसको बोलते हैं वर्टिब्रल कॉलम। सो स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन दोनों ही बोन के अंदर वेल प्रोटेक्टेड है। सो मेनिंजेस क्या है? मेनिंजेस बोन और स्पाइनल कॉर्ड को, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड को फर्दर प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। कैसे? जैसे अगर हमारा ब्रेन जो है वो स्कल के अंदर प्रेजेंट है और स्पाइनल कॉर्ड हमारी वर्टिब्रल कॉलम के अंदर प्रेजेंट है, सो इन दोनों के स्ट्रक्चर बीच में मेनिंजेस प्रेजेंट होती है। जैसे ब्रेन और स्कल के अंदर भी प्रेजेंट है मेनिंजेस, और स्पाइनल कॉर्ड और वर्टिब्रल कॉलम के अंदर भी प्रेजेंट है मेनिंजेस। सो मेनिंजेस एक मेम्ब्रेनस लेयर है जो इनके बीच में प्रेजेंट होती है, जो कि फर्दर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। सो इसलिए हम पढ़ेंगे मेनिंजेस के बारे में। द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड आर कम्प्लीटली सराउंडेड बाई 3 लेयर्स ऑफ टिश्यूज मेनिंजेस। सो मेनिंजेस कितनी लेयर ऑफ टिश्यूज से बना है? 3 लेयर्स। सो मेनिंजेस में 3 लेयर्स होती हैं जो कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को कम्प्लीटली सराउंड करती है। मेनिंजेस प्रोवाइड फर्दर प्रोटेक्शन। सो मेनिंजेस फर्दर प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है, क्यों? क्योंकि बोन्स तो प्रोवाइड कर रही है, मेनिंजेस जो लेयर है वो फर्दर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट कर रही है। लाइन बिटवीन स्कल एंड ब्रेन। सो स्कल और ब्रेन के बीच में भी प्रेजेंट है मेनिंजेस, एंड वर्टिब्रा एंड स्पाइनल कॉर्ड। सो स्पाइनल कॉर्ड और वर्टिब्रल कॉलम के बीच में भी मेनिंजेस प्रेजेंट है। अब मेनिंजेस 3 लेयर्स ऑफ टिश्यूज से बनी है, सो वो हम देख लेते हैं कौन कौन सी लेयर ऑफ टिश्यूज है। तो ये आप याद रखते हैं, डैप से आप याद रख सकते हैं कि कौन कौन सी है। सो डैप, डी फॉर ड्यूरा मैटर, ए फॉर एरेकनॉइड मैटर, एंड पी फॉर पाया मैटर। सो ड्यूरा मैटर सबसे आउटर है, एरेकनॉइड मैटर मिडल लेयर है, एंड पाया मैटर सबसे इनर है। सो इनर का मतलब है कि जो ब्रेन के बिल्कुल साथ में है वो है पाया मैटर, देन एरेकनॉइड मैटर बीच वाली, और जो सबसे आउटर है स्कल की तरफ वो है ड्यूरा मैटर। सो ड्यूरा मैटर और एरेकनॉइड मैटर के बीच का एक स्पेस होता है जिसको बोलते हैं सब ड्यूरल स्पेस। सब ड्यूरल इसलिए, सब मतलब नीचे, सो ड्यूरा मैटर के नीचे वाला स्पेस सब ड्यूरल स्पेस। एरेकनॉइड मैटर और पाया मैटर के बीच में भी एक स्पेस प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं सब एरेकनॉइड स्पेस। सो एरेकनॉइड के नीचे वाला स्पेस इज सब एरेकनॉइड स्पेस। सब एरेकनॉइड स्पेस में क्या होता है? CSF होता है। CSF क्या होता है? सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। सो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड भी फर्दर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। सो जो मेनिंजेस के सबसे आउटर मोस्ट लेयर है उसको कहते हैं ड्यूरा मैटर। सो ड्यूरा मैटर दो लेयर से बनी है, आउटर पेरियोस्टियल लेयर से एंड इनर मेनिंजियल लेयर से। सो ये मैंने एक डायग्राम ड्रॉ किया हुआ है यहाँ पर मेनिंजेस का। ये सारी मेनिंजेस की लेयर है। इनर जो ब्रेन है, सो ब्रेन के ऊपर कौन सी मेनिंजेस प्रेजेंट है? पाया मैटर। सो पाया मैटर के ऊपर प्रेजेंट है एरेकनॉइड मैटर, एंड एरेकनॉइड मैटर के ऊपर ड्यूरा मैटर, एंड देन हमारी स्कल बोन। सो जो ड्यूरा मैटर है उसकी फर्दर टू लेयर्स है, पेरियोस्टियल लेयर जो कि स्कल बोन की तरफ है। सो स्कल बोन की तरफ जो लेयर है उसको बोलते हैं पेरियोस्टियल ड्यूरा, और मेनिंजियल लेयर वो है जो फर्दर मेनिंजेस की तरफ है, इसलिए इसको मेनिंजियल ड्यूरा कहते हैं। सो पेरियोस्टियल ड्यूरा आउटर है ये, क्योंकि पेरियोस्टियम जो बोन की कवरिंग होती है उसके जैसी है, इसलिए ये टफ है, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से बनी हुई है, मीन्स ये हार्ड भी है और टफ भी है, जो कि फर्दर जो हमारा ब्रेन है उसको प्रोटेक्ट कर रही है एंड स्पाइनल कॉर्ड को। कनेक्ट्स मेनिंजेस टू स्कल एंड वर्टिब्रा। सो ये मेनिंजेस को किससे कनेक्ट करती है? स्कल से और वर्टिब्रा से, स्पाइनल कॉर्ड में वर्टिब्रा के साथ कनेक्ट करती है। अब हम पढ़ते हैं इनर मेनिंजियल लेयर। इनर मेनिंजियल लेयर जो कि मेनिंजेस की तरफ है, सो इनर जो मेनिंजियल लेयर है इसको एक्चुअल ड्यूरा लेयर भी कहते हैं। फॉर्म्स इन फोल्डिंग दैट डिवाइड क्रेनियल कैविटी इनटू डिफरेंट कंपार्टमेंट। अब ये जो इनर मेनिंजियल लेयर है, अब ये आप सेकेंड डायग्राम देखिए। इस डायग्राम में मैंने एक क्रॉस सेक्शन दिखाया हुआ है वर्टिब्रल कॉलम का, स्पाइनल कॉर्ड का एंड ब्रेन का। सो यहाँ पर जो मेनिंजेस है इसमें ये ड्यूरा मैटर, ये जो ब्लू कलर से मैंने ड्रॉ की हुई है आउटर, ये वाली है। सो ये जो इनर लेयर है, क्योंकि ड्यूरा मैटर की टू लेयर है, जो इनर मेनिंजियल लेयर है ड्यूरा मैटर की वो इनफोल्डिंग्स बनाती है। इनफोल्डिंग मतलब अंदर की तरफ फोल्ड हो जाती है। जैसे ये है सेरिब्रल हेमिस्फीयर, मीन्स ये क्या है? सेरिब्रम। सो ये ब्रेन के पार्ट्स हैं सेरिब्रम, एंड ये है सेरिबेलम।
सो सेरिबेलम और सेरिब्रम में ये इनफोल्ड यानी अंदर की तरफ फोल्ड हो जाती है एंड ये जो क्रेनियम है या फिर ब्रेन है इसको डिफरेंट कंपार्टमेंट्स में डिवाइड करती है इनटू डिफरेंट कंपार्टमेंट. ये जो इनफोल्डिंग है अंदर जो फोल्ड हुई है ये मेनिंजियल लेयर, इसका काम क्या है, सपोर्ट वेरियस सब डिविजन्स ऑफ ब्रेन. ये जो सब डिविजन्स है ब्रेन के जैसे सेरिब्रम सेरिबेलम इन सबको ये सपोर्ट करने का काम करती है. सो कौन कौन सी जो इनफोल्डिंग है, थ्री इनफोल्डिंग्स है. फर्स्ट है फॉक्स सेरिब्री. सो फॉक्स सेरिब्री क्या है, फॉक्स सेरिब्री क्या है, ये है सेरिब्रम. सो सेरिब्रम के बीच में जो इनफोल्डिंग हुई है, दोनों सेरिब्रल हेमिस्फेयर, सेरिब्रम के दो हेमिस्फेयर होती है, राइट सेरिब्रल हेमिस्फेयर एंड लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फेयर. सो दोनों सेरिब्रल हेमिस्फेयर के बीच में जो इनफोल्डिंग है इसको बोलते हैं फॉक्स सेरिब्री. अब फॉक्स सेरिबेली क्या है, फॉक्स सेरिबेली क्या है, अब ये है सेरिबेलम. सेरिबेलम का राइट सेरिब्रल हेमिस्फेयर एंड लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फेयर. तो इन दोनों के बीच में जो जो इनफोल्डिंग है उसको बोलते हैं फॉक्स सेरिबेली. अब टेंटोरियम सेरिबेली क्या है, बिटवीन सेरिब्रम एंड सेरिबेलम. अब सेरिब्रम और सेरिबेलम के बीच में भी ये यहाँ पर इनफोल्ड हुई हुई है मेनिंजियल ड्यूरा. यहाँ पर जो इनफोल्डिंग हुई है सेरिब्रल और सेरिबेलम के बीच में इसको बोलते हैं टेंटोरियम सेरिबेली. सो ये थी थ्री इनफोल्डिंग्स जो कि मेनिंजियल ड्यूरा अंदर की तरफ फोल्ड हो जाती है. अब है दोनों लेयर के बीच में यानी ड्यूरा मैटर की आउटर पेरियोस्टियल लेयर और इनर मेनिंजियल लेयर के बीच में एक स्पेस होता है, उस स्पेस को क्या कहते हैं, वेनस साइनसिस. सो इनको बोलते हैं ड्यूरल वेनस साइनसिस. सो वेनस साइनसिस क्या है, वेन्स है. सो ये वेन्स क्या करती हैं, ड्रेन ब्लड फ्रॉम ब्रेन टू हार्ट. सो ये मतलब दो लेयर है ड्यूरा मैटर की, ये है आउटर और ये इनर जो फोल्ड हुई है. इन दोनों के बीच में एक साइनस बनता है जिसमें वेन्स प्रेजेंट होती है. ये वेन्स ब्रेन से ब्लड को ड्रेन यानी जो भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, वेस्ट ब्लड है, उसको ब्रेन से हार्ट तक लेकर जाती है, हार्ट के सुपीरियर वेना केवा तक. तो वहां पर लेकर जाती है वेनस साइनसिस. वेनस साइनसिस कौन कौन से है, एक है सुपीरियर सजाइटल साइनसिस. सुपीरियर सजाइटल साइनस कहाँ बना है, फॉक्स सेरिब्री से. सो फॉक्स सेरिब्री क्या बना रही है, सुपीरियर यानी ऊपर वाला साइनस, सुपीरियर सजाइटल साइनस. सो ये वाला जो बीच वाला पार्ट है दोनों लेयर के बीच में, ये है सुपीरियर सजाइटल साइनस. देन स्ट्रेट एंड ट्रांसफर साइनसिस कौन से हैं, टेंटोरियम सेरिबेली. जो टेंटोरियम सेरिबेली है ये स्ट्रेट और ट्रांसवर्स, ट्रांसवर्स और स्ट्रेट सेजाइटल साइनसिस बना रही है टेंटोरियम सेरिबेली. तो नेक्स्ट जो लेयर है मेनिंजेस की, जो कि सेकेंड लेयर और मिडल लेयर है, उसको कहते हैं एरेकनोइड मैटर. इसकी जो अपीयरेंस है वो वेब लाइक होती है, जैसे स्पाइडर का वेब होता है उसी तरह की एरेकनोइड मैटर की अपीयरेंस होती है. सो ये ड्यूरा मैटर और पाया मैटर के बीच वाली लेयर है एरेकनोइड मैटर. सो ये मिडल लेयर है, फाइब्रस लेयर है, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से बनी है. ये क्या करी है, कनेक्ट्स ड्यूरा मैटर एंड पाया मैटर. सो ऊपर ड्यूरा मैटर के साथ कनेक्टेड है, नीचे पाया मैटर के साथ कनेक्टेड है. सेपरेटेड फ्रॉम ड्यूरा मैटर बाय सब ड्यूरल स्पेस. सो ये ड्यूरा मैटर के साथ बीच में एक स्पेस होता है ड्यूरा मैटर और एरेकनोइड मैटर के बीच में, जिसको बोलते हैं सब ड्यूरल स्पेस. सो इस स्पेस में क्या प्रेजेंट रहता है, सीरस फ्लूइड. सेपरेटेड फ्रॉम पाया मैटर बाय सब एरेकनोइड स्पेस. सो एरेकनोइड मैटर के नीचे कौन सी लेयर है, पाया मैटर. सो पाया मैटर और सब एरेकनोइड मैटर के बीच में जो स्पेस होता है उसको कहते हैं सब एरेकनोइड स्पेस. इस स्पेस में क्या प्रेजेंट होता है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड. एकॉम्पनीज इनर लेयर ऑफ ड्यूरा मैटर इन द फॉर्मेशन ऑफ फॉक्स सेरिब्री एंड टेंटोरियम सेरिब्री. अब जो ड्यूरा मैटर थी वो क्या बना रही थी, इनफोल्डिंग्स बना रही थी. इन इनफोल्डिंग्स को क्या कहते हैं, फॉक्स सेरिब्री, टेंटोरियम सेरिब्री एंड फॉक्स सेरिब्री. तो सो ये जो इनफोल्डिंग्स है, एरेकनोइड मैटर भी इसी तरह से ड्यूरा मैटर के साथ साथ इनफोल्ड होती है अंदर की तरफ. प्रोजेक्शंस कॉल्ड एरेकनोइड ग्रैनुलेशंस. अब इन एरेकनोइड मैटर में क्या होते हैं, कुछ प्रोजेक्शंस होते हैं जिनको बोलते हैं ग्रैनुलेशंस, एरेकनोइड ग्रैनुलेशंस. इनका काम क्या है, ये CSF को रिमूव करती है फ्रॉम सब एरेकनोइड स्पेस. सो सब एरेकनोइड में जो CSF प्रेजेंट होता है वो ये जो ग्रैनुलेशंस है इनको रिमूव करता है और कहाँ लेके जाता है, टू ड्यूरा मैटर. ड्यूरा मैटर तक लेके जाता है वेयर इट इज रीअब्सॉर्ब्ड और ड्यूरा मैटर में CSF दोबारा से रीअब्सॉर्ब हो जाता है. देन है पाया मैटर. पाया मैटर सबसे इनर लेयर है, सो जो कि हमारे ब्रेन के स्ट्रक्चर्स के साथ, ब्रेन के सरफेसेस के साथ
और स्पाइनल कॉर्ड के सरफेसेस के साथ डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में है। सो ब्रेन के जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे ब्रेन में भी कुछ फोल्डिंग्स प्रेजेंट होते हैं, फोल्ड्स प्रेजेंट होते हैं जिसको गायरी कहते हैं, फीशर्स सेपरेशन होती हैं जो उनको फीशर्स कहते हैं, वेंट्रिकल्स ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं, फोर वेंट्रिकल्स। सो इन सब में जो पाया मैटर है ये इन सब स्ट्रक्चर्स को, इन सरफेसेस को लाइन करती है। सो पाया मैटर सबसे थिन है, इनर लेयर है, फाइबरस है, थिन है इसलिए डेलिकेट भी है, इम्परमेबल टू फ्लूड। जो भी फ्लूड ब्रेन में प्रेजेंट है, चाहे वो CSF हो या कोई भी फ्लूड, उसके लिए इम्परमेबल है। इम्परमेबल मीन्स वो फ्लूड को पास नहीं होने देती। ऐसी एरिकेनॉइड मैटर भी एक इम्परमेबल लेयर है, इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद सर्फेसिस ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कोड। सो पाया मैटर हमारा ब्रेन और स्पाइनल कोड के साथ डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में है। हैज रिच सप्लाई ऑफ ब्लड वेसल्स। पाया मैटर में बहुत ज़्यादा ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती है, इसलिए यहाँ पर रिच सप्लाई होती है ब्लड वेसल्स की। अब यहाँ पर रिच सप्लाई है ब्लड वेसल्स की, इसका मतलब ये है कि पाया मैटर जो है नर्वस टिश्यू को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करने का काम करती है। सो जो भी न्यूट्रिएंट्स है वो ब्लड सप्लाई के थ्रू, क्योंकि रिच ब्लड सप्लाई है, इसलिए ब्रेन के जो भी स्ट्रक्चर्स हैं, स्पाइनल कॉर्ड के जो भी स्ट्रक्चर्स हैं जो नर्वस टिश्यू से बने हैं, उनको न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करती है। लाइंस द कॉन्टर ऑफ ब्रेन। सो जो ब्रेन के कॉन्टर्स हैं, जैसे कि गायरी, जो फोल्डिंग्स है ब्रेन में, फिशर्स, जो भी सेपरेशन है, या वेंट्रिकल्स, इन सबको क्या कर रही है, लाइन करती है। कंटेन कोरोइड प्लेक्सस। पाया मैटर में ही कोरोइड प्लेक्सस प्रेजेंट होता है। कोरोइड प्लेक्सस क्या है, यहाँ पर CSF प्रोड्यूस होता है। सो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड कोरोइड प्लेक्सस में प्रोड्यूस होता है, जो कि ब्रेन के वेंट्रिकल्स में प्रेजेंट होता है। ये कोरोइड प्लेक्सस किससे बना होता है, नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज, बहुत सारे कैपिलरीज से बना होता है, एंड एपेंडिमा। एपेंडिमा क्या होता है, एपेंडिमा एपिथेलियल टिश्यू है जिस पर सीलिया प्रेजेंट होता है। एरिकेनॉइड मैटर और पाया मैटर दोनों को क्या बोलते हैं, लेप्टोमेनिंजेस। सो लेप्टोमेनिंजेस एरिकेनॉइड मैटर और पाया मैटर दोनों को बोलते हैं। तो व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ मेनिंजेस। फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट जो फंक्शन है मेनिंजेस का, वो क्या है, प्रोटेक्ट द ब्रेन एंड स्पाइनल कोड। सो ब्रेन और स्पाइनल कोड बहुत ही डेलिकेट ऑर्गन्स हैं, सबसे ज़्यादा जो प्रोटेक्शन है, सपोर्ट है, वो ब्रेन और स्पाइनल कोड को चाहिए देन एनी अदर ऑर्गन ऑफ द बॉडी। सो मेनिंजेस प्रोटेक्ट करके रखता है ब्रेन और स्पाइनल कोड को। प्रोड्यूस CSF। सो मेनिंजेस में CSF प्रोड्यूस होता है, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। सो सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड का क्या फंक्शन है, ये भी ब्रेन और स्पाइनल कोड को प्रोटेक्ट करता है। सो ये एक तरह का शॉक एब्जॉर्बर है, अगर कोई भी इंजरी या हिट करता है ब्रेन को, तो ये शॉक को एब्जॉर्ब कर लेता है एंड उस ब्रेन तक पहुंचने नहीं देता इंजरी को या शॉक को। सो इट इज अ काइंड ऑफ अ शॉक एब्जॉर्बर। प्लस सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड एक यूनिफॉर्म प्रेशर, जो ब्रेन में इंट्राक्रेनियल प्रेशर होता है, उसको मेंटेन करने में भी हेल्प करता है। थर्ड है, फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ ब्लड ब्रेन बैरियर। सो मेनिंजेस ब्लड ब्रेन बैरियर का एक पार्ट है। सो ब्लड ब्रेन बैरियर क्या करता है, ब्रेन में जो भी टॉक्सिन्स है या फिर इन्फेक्शन है, उससे ब्रेन को प्रिवेंट करता है। अगर आपको ये वीडियो समझ आई, सो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर टू माई चैनल। ऑल्सो डू सपोर्ट वेमेन एम्पावरमेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।